नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की पाठशाला में हम कक्षा पहली विषय हिंदी, हिंदी विषय में हमारी चौथी इकाई शुरू हो गई है। चौथी इकाई में हमारा पाठ 3 शेर और चूहा, ये एक चित्र कहानी है बच्चों। इसमें ना चित्र, देखो चित्र बने हुए हैं, तो हमें इस चित्र के जगह पे इसका नाम बोलना है, चित्र का नाम बताना है और कहानी को पढ़ना है। देखो कहानी में कितने सारे चित्र हैं, अलग अलग चित्र बने हुए हैं, तो हमें इन चित्रों का नाम बोलना है और अपनी कहानी को पूरी करना है। ठीक है, तो चलो बच्चों हम कहानी शुरू करते हैं। एक गुफा में एक शेर था। बच्चों ये गुफा का चित्र है, देखो तो हम इसको पढ़ेंगे गुफा। एक गुफा में एक शेर था। बच्चों एक गुफा थी, उस गुफा में एक शेर रहता था। और गुफा कहाँ होती है? जंगल में। सॉरी बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो एक गुफा में शेर था, इस गुफा में शेर रहता था। वहीं पास में एक चूहा रहता था। जहां पे गुफा में शेर रहता था ना, तो उसी गुफा के पास में चूहा भी रहता था। ये चूहे का चित्र है। एक दिन शेर अपनी गुफा के बाहर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक दिन ना बच्चों, ये शेर ना अपने गुफा के बाहर, ये उसकी गुफा है, गुफा के बाहर एक झाड़ था, वृक्ष था, पेड़ था, उसके नीचे सो रहा था, आराम कर रहा था। पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो शेर भी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। और ठंडी ठंडी हवा थी तो वो उसको नींद आ जाती है, तो शेर पेड़ के नीचे सो जाता है। उसी समय चूहा अपने बिल से निकला। फिर चूहा क्या करता है, उसी समय बाजू में चूहा भी रहता है, शेर के बाजू में चूहा भी रहता था। फिर चूहा अपने बिल से निकला, चूहा बिल में रहता है बच्चों, और शेर की पीठ पर चढ़कर कूदने लगा। चूहा क्या किया, चूहा अपने अपने बिल में से निकला और शेर के पीठ पे चढ़कर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने हाथ में पकड़ लिया। बच्चों जब शेर सोया रहता है ना, तो चूहा उसकी पीठ पर कूदता है। अगर को आप सोए रहोगे, कोई आपके ऊपर कूदेगा, आपको छुएगा, तो आपको पता चल जाएगा ना। वैसे शेर भी सोया हुआ था और चूहा क्या करता है, वो शेर के पीठ के ऊपर चढ़कर कूदने लगा, तो शेर की नींद खुल गई। तो शेर क्या करता है, चूहे को अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये देखो शेर ने क्या किया, चूहे को अपने हाथ में पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, क्योंकि ये चूहा शेर की पीठ पर कूद रहा था, इसलिए शेर उसको पकड़ लिया। चूहा बहुत घबरा गया। जैसे शेर ने देखो पकड़ा है ना चूहे को, जैसे शेर ने चूहे को पकड़ा, चूहा बेचारा बहुत डर गया, घबरा गया। वह शेर से विनती करने लगा। जैसे ही शेर ने चूहे को पकड़ लिया, चूहा तो बेचारा बहुत डर गया, अब तो शेर मुझे मार देगा, वो बहुत डर गया, बहुत घबरा गया। वो शेर से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। चूहा बहुत डर जाता है, वो शेर से हाथ जोड़कर बोलता है, आप मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन आपको मदद करूंगा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। चूहा शेर से प्रार्थना करता है कि आप मुझे छोड़ दो, किसी दिन मैं आपको मदद करूंगा, आपके काम आऊंगा। शेर को चूहे पर दया आ गई। ये शेर तो बहुत अच्छा था, इसको चूहे के ऊपर दया आ जाती है। उसने चूहे को छोड़ दिया,
ये जो शेर था ना ये बहुत अच्छा था, इसको दया आ जाती है चूहे के ऊपर। चूहा बोलता है ना, प्लीज मुझको छोड़ दो, कभी मैं आपको बहुत मदद करूंगा, इस बार आप मुझे छोड़ दो। तो शेर क्या करता है, उसको चूहे को छोड़ दे देता है। क्यों छोड़ देता है, क्योंकि शेर को चूहे के ऊपर दया आ जाती है और वो चूहे को छोड़ देता है। एक दिन शेर फिर गुफा के बाहर सो रहा था। फिर एक दिन और कुछ समय के बाद एक बार फिर ऐसे ही होता है, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी समय एक शिकारी ने उस पर जाल डाल दिया। एक दिन फिर ऐसे ही होता है, शेर ना पेड़ के नीचे सोया रहता है, तो एक शिकारी अंकल आते हैं और वो क्या करते हैं, शेर के ऊपर जाल डाल देते हैं। ये देखो आपको चित्र में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो ये जाल है, शिकारी अंकल शेर के ऊपर जाल डाल देते हैं। अब जाल डालेंगे तो क्या होगा, शेर उसमें फंस जाएगा। और जैसे ही जाल डालते हैं, ये देखो शेर पूरे जाल में फंस गया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये देखो। शिकारी जैसे ही शेर के ऊपर जाल डाल देता है तो शेर जाल में फंस जाता है। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शिकारी अंकल जब शेर के ऊपर जाल डाल देते हैं ना, तो शेर जाल में फंस जाता है। फिर शेर ना जोर जोर से दहाड़ने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शेर की दहाड़ चूहे ने सुनी। जब शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था तो उसकी आवाज कौन, शेर की आवाज कौन सुनता है, चूहा। शेर की दहाड़ की आवाज चूहे ने सुनी। वह दौड़कर शेर के पास आया और चूहा भाग भाग के एकदम फास्ट भागकर वो शेर के पास आ जाता है। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। ये देखो बच्चों, चूहा क्या करता है, अपने दांतों से जाल को काट देता है। आपको पता है बच्चों, जो चूहे के दांत होते हैं ना बहुत नुकीले होते हैं। देखो अगर चूहे आपके घर में आ जाएंगे ना तो वो कपड़े को भी काट देते हैं, क्योंकि उनके दांते बहुत निकुल बे। हमारे यहाँ तो चूहे ने ना बेट को भी काट दिया है, उनके दांत बहुत नुकीले होते हैं बच्चों। तो चूहा जब शेर की दहाड़ सुनता है तो वो दौड़कर शेर के पास आता है और फिर क्या करता है, अपने दांतों से नेट को, जो जाल है जिसमें शेर फंसा हुआ था, देखो ये जाल, उस जाल को चूहे ने काट दिया। शेर जाल से बाहर निकल आया और फिर शेर क्या होता है, जाल में से बाहर निकल आता है। उस दिन से दोनों मित्र बन गए। और उस दिन से क्या होता है, शेर और चूहा दोनों मित्र बन जाते हैं, दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बहुत मदद कर देते हैं, जैसे चूहा कितना छोटा है लेकिन समय आने पर वह शेर की मदद किया, शेर को जाल में से निकाला। तो इससे हमें सीख मिलती है, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और मुसीबत के समय जो हमारे मदद करे वो हमारा मित्र होता है। फिर उस दिन के बाद चूहा और शेर दोनों मित्र बन जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है। और बच्चों आपको ना इस शेर के चित्र में रंग भी भरना है। आपको जैसे यहाँ पे शेर का कलर दिख रहा है ना, ऐसा ही रंग यहाँ पे भरना है। आप शेर को काला मत कर देना, पीला मत कर देना, जैसा शेर दिखता है वैसे ही रंग भरना। नहीं तो आप क्या करोगे, शेर को हरा रंग भर दोगे, पत्ता बना दोगे, ऐसा मत करना। शेर जैसा दिखता है वही कलर इसमें भरना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ,
एक या दो शब्दों में उत्तर लिखो। गुफा में कौन रहता था? बोलो बच्चों, गुफा में कौन रहता था? शेर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेर रहता था। गुफा में कौन रहता था? शेर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, चूहा शेर की पीठ पर क्या करने लगा? चूहा शेर की पीठ पे क्या कर रहा था? चढ़कर कूद रहा था, है ना? तो हम लिखेंगे चूहा शेर की पीठ पर क्या करने लगा? कूदने लगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कूदने लगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, शेर ने चूहे को किसमें पकड़ा? शेर ने चूहे को किसमें पकड़ा था? ये देखो, किसमें पकड़ा था? अपने पंजे में पकड़ा था। पंजे में, ठीक है। शेर पर जाल किसने फेंका? शेर के ऊपर जाल कौन फेंकता है? शिकारी। हम यहाँ पे लिखेंगे शिकारी, है ना? ये देखो, शिकारी जाल डाल देता है। एक वाक्य में उत्तर लिखो, शिकारी ने किस पर जाल डाला? तो हम उत्तर लिखेंगे शिकारी ने शेर पर जाल डाला। किस पर डाला? शेर के ऊपर जाल डाला था शिकारी ने। चूहे ने दांतों से क्या काटा? क्या काटा? जाल। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, चूहे ने दांतों से जाल काटा। क्या काटा? जाल को काट दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपको ऐसे अपने किताब में भी लिखना है और उसके बाद अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। आप लोग दो बार लिखोगे ये। और ये जो कहानी मैंने आपको सुनाया है, ये कहानी आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को सुनाओगे, शेर और चूहे की कहानी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप बच्चे अपनी पढ़ाई कर सको। तो आप लोगों ने मेरी पाठशाला यहाँ तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।